मुरादाबाद में पुलिस और खनन माफियाओं के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। बता दें कि 50,000 के इनामी खनन माफिया जफर का पुलिस पीछा कर रही थी। पीछा करते समय खनन माफिया जफर उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस कर जसपुर में दाखिल हो गया। जफर और उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे जफर करके जिसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम है और ये वांछित भी था। हमारे यहाँ पे गैंगस्टर का व्यू है और पूर्व में जो खनन का जो घटना यहाँ पर हुई थी उसके अंदर भी इसका नामजद अभियुक्त है। और जो अभी हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा जानकारी उनके पास स्पष्ट रूप से सूचना थी और यहाँ से वो भागा है। भागने के उपरांत जब टीम पहुँची है तो वहाँ पर एक वहाँ पर जो है तो पुलिस टीम को बंधक बनाया गया है और पुलिस टीम को बंधक बनाने के उपरांत इसके असले भी छीने गए हैं और असले छीनने के अंदर इसके अंदर जो हमारी टीम का कहना है कि वहाँ पे बेतरतीब फायरिंग भी की गई है जिसके अंदर हमारी पुलिस टीम के दो कर्मचारियों को जो है गोली लगी है और साथ ही साथ तीन और इंजर्ड हुए हैं। टोटल 5 इंजर्ड हैं जिनका इलाज कॉस्मोस में चल रहा है। अभी तक की घटना की जानकारी है। इसमें और कोई चीज़ की पुष्टि होती है तो मेरे द्वारा आपको अवगत कराया।